हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुके हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है कि आप लोग एमएस वर्ड के अंदर में ओएमआर शीट को आप लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी दो तीन मिनटों के अंदर में बिल्कुल आसानी से ओएमआर शीट आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग को ओएमआर शीट को कैसे डिजाइन करता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले क्या हम अपनी कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम जाते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। चलिए फटाफट देखिए मेरा एमएस वर्ड ओपन हो चुके हैं। अब इसके बाद में करना है कि एमएस वर्ड में सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ से एक रूलर्स रहते हैं, ये जो हमारा रूलर्स है इसको क्या करेंगे, पेज अभी हाफ में इसको फुल कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे माउस का सर्कल लेके इसको पेज को फुल कर लेते हैं और लेफ्ट साइड में भी हम कर लेते हैं इसको। ये दोनों करने के बाद में करना है कि आप जिस चीज़ के लिए ओएमआर बना रहे हैं उसका टाइटल आपको जितना अच्छा से डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा ओएमआर शीट के लिए एक टाइटल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा हम टाइटल ले लेते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग मार देते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए इतना करने के बाद में आपको करना है कि इसके बाद में यहाँ से नंबरिंग का ऑप्शन रहता है, सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम चलिए यहाँ से नंबरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से। और इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से ए बी सी डी टाइप करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। ओ एम आर का एक फ़ॉन्ट आते हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ओ एम आर का फ़ॉन्ट है मेरे पास, ये हमारे पास ओ एम आर का फ़ॉन्ट। अगर आपके कंप्यूटर में ओ एम आर का फ़ॉन्ट नहीं तो फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे लाना है फ़ॉन्ट, ये चीज़ आपको वीडियो को लास्ट में बता देते हैं फिलहाल। अब देखिए हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं ए, देखिए यहाँ पे ए आ चुके हैं, फिर स्पेस देकर फिर टाइप करेंगे बी, फिर स्पेस देंगे फिर सी, और फिर स्पेस देकर फिर डी करेंगे। और इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से चारों राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि फोर टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर इसके बाद में नीचे में इंटर मारेंगे, फिर इसको भी करेंगे, इसको मतलब कंट्रोल वी से हमको पेस्ट करते चलना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आ रहा है, कंट्रोल वी से पेस्ट करते चलेंगे, कंट्रोल वी से कीबोर्ड से आप लोग कंट्रोल वी बटन दबाएंगे और पेस्ट होते चल रहा है। देखिए बिल्कुल आसानी से ये सेकेंड पेज में आ रहा है, लेकिन हमको तो ले जाना है इसके राइट साइड में। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट में और ये जो कॉलम्स है ना इसको थ्री कॉलम्स में कर देंगे, यहाँ से थ्री कॉलम्स में कर देंगे। देखिए मेरा पेज अब यहाँ से आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ से इंटर मारेंगे तो देखिए अब यहाँ से आना चालू हो गया, फिर कंट्रोल वी भी प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी कि कंट्रोल वी बटन दबाने से देखिए तुरंत मेरा ओ एम आर बिल्कुल आसानी से बन चुके हैं। तो ये मेरा है ओ एम आर, और इस तरह से आप लोग ओ एम आर का डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से इसको सेलेक्ट करके। ज़्यादा ये देख रहे हैं कि कम दूरियां में इसको आप चाहे तो कुछ ज़्यादा दूरी भी बना सकते हैं। यहाँ से होम पे जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे स्पेस के ऑप्शन पे जाएंगे और इतना पे स्पेस कर दे रहे हैं, फिर भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए, अब ठीक लग रहे हैं, अब मेरा ओ एम आर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से आप लोग इस तरह से ओ एम आर डिज़ाइन कर सकते हैं, एक पेज पे आप लोग चाहे तो जितना चाहे उतना एडजस्ट करवा सकते हैं। इस पर कुछ ज़्यादा भी थे लेकिन हम कम कर दें क्योंकि लाइन स्पेसिंग के हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप लोग कंप्यूटर में ओ एम आर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ओ एम आर का फ़ॉन्ट के बारे में हमको नहीं बताया है, ये ओ एम आर का फ़ॉन्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए रहेंगे और आप लोग वहां से क्लिक करके आप लोग ओएमआर को डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। तो ये वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।